भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मित्रों, आज 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार का अंत कुछ घंटे बाद ही हो जाएगा। अब तक तीन चरण के प्रचार के बाद मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि तीन चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी मतदान है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट स्वीप करने जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चौथे चरण की प्रचार की समारोह की संध्या पर यह भी बताना चाहता हूं सभी मीडिया के मित्रों को कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, उसमें सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगा। इसका मतलब है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा किसी एक दल को सीट मिलेगा तो वो दल होगा भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना में हम लगभग 10 सीटों से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। 13 सीटों पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, मगर 10 से ज्यादा सीटें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। पूरे देश के सामने अब तक जो प्रचार चला है वो प्रचार में कमोबेश मुद्दे सेट हो चुके हैं। एक और यूपीए है, इंडी अलायंस है और दूसरी ओर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खड़ा है। एक और 12 लाख करोड़ के गपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस और उनके साथी दल है तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन पर 23 साल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहते हुए 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। एक और सत्ता का सुख भोगने वाले हैं, जैसे थोड़ी ही गर्मी बढ़ते ही कुछ नेता देश के बाहर छुट्टी पर नियमित रूप से चले जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं। आप भी समझ रहे हो कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है 23 साल से दीपावली के दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। एक और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल का एजेंडा है। ये 10 साल में मोदी जी ने भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के विकास के लिए 70 साल के काम को एक और रखे इतना काम इस 10 साल के अंदर हुआ है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, आंतरिक सलामती मजबूत हुई है, टेररिज्म और नक्सलिज्म पर पूरा शिकंजा कसा गया है, देश का अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं, हमारी बैंकों का जो खस्ता हाल हमें मनमोहन सिंह देकर गए थे उसको हमने आगे बढ़ाया है। तो एक और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला
और देश को आगे बढ़ाने वाला नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी का है। तो दूसरी बार 20-20 बार लॉन्च करने के बावजूद भी राहुल यान लॉन्च नहीं कर पा रहा है, 21वीं बार लॉन्च करने का भी प्रयास हो रहा। और एक और सबसे गरीब घरों में से चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की और ट्राइबल्स की संवेदना भी जानते हैं और उनकी जरूरतों को भी जानते हैं। तो दूसरी ओर चांदी के समझ के साथ पैदा हुए नेता है जो परिवारवाद की राजनीति के आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जहां तक सवाल है देश की जनता का, देश की जनता तय कर कर बैठी है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और हम सबको पूरा विश्वास है कि 400 के ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मित्रों, मैं तेलंगाना की भी जरूर बात करना चाहता हूं। तेलंगाना को जब बनाया गया तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। आज तेलंगाना पर लाखों करोड़ों रुपए का ऋण है और 80,000 करोड़ रुपया हर साल ऋण चुकाना में तेलंगाना को चुकाना पड़ता है। बीआरएस और कांग्रेस की सरकारों ने तेलंगाना के विकास को डिरेल किया है। जब मोदी जी ने ये 10 साल में तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं, 14-15 में संयुक्त आंध्र प्रदेश की ग्रांट 63,000 करोड़ थी, 15,000 करोड़ रुपया मिलती थी, संयुक्त आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया ग्रांट मिलती थी, आज ये लगभग 63,000 करोड़ रुपया मिलती है, मतलब 4 गुना ग्रांटिंग एड में बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावे तेलंगाना में 1,65,000 करोड़ रुपया हमने सड़क निर्माण के लिए, 32,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए और 7,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के उत्थान के लिए देने का काम किया है। तो एक प्रकार से हमने आजादी के बाद एक दशक में कभी भी तेलंगाना को न मिला हो इतना फंड नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके अलावे 900 करोड़ के लागत से समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमने किया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया है, 6300 करोड़ से रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड RFCL को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। और दूसरी ओर दोनों पार्टियां BRS और कांग्रेस पार्टी वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, परिवारवाद, करप्शन, बैड गवर्नमेंट गवर्नेंस और एपीसमेंट, ये चारों नासूरों ने तेलंगाना की जनता को बड़ा परेशान किया हुआ है। और मुझे विश्वास है तेलंगाना की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड सांसद यहां से चुना कर भेजेगी, चाहे BRS की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। सरकार का स्टीयरिंग व्हील हमेशा ओवैसी के हाथ में रहा है। ये दोनों ने एपीसमेंट के अपने थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए सरकार चलाने का ठेका बिल्कुल मजलिस को आउटसोर्स किया हुआ है। ये लोग CA का विरोध करते हैं, 370 हटाने का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन खड़े करते हैं, PFI का समर्थन करते हैं, रोहिंग्या को देश में आने जाने देने का घुसपैठ का समर्थन करते हैं, हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिन मनाने की परंपरा बंद करते हैं, रामनवमी पर भद्राचलम को पवित्र वस्त्र भेंट करने की परंपरा भी इन्होंने बंद कर दी है। और सबसे बड़ी बात जो पूरे देश के लिए और विशेषकर ST SC OBC के लिए हानिकारक है, इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना के अंदर इंट्रोड्यूस किया है।
4% मुस्लिम आरक्षण सीधा सीधा एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण पर रिजर्वेशन पर डाका है। और हम ये निश्चित रूप से कहते हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी यहां से हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, बीआरएस के घोटाले की बड़ी सूची मेरे पास है और कांग्रेस के घोटाले की बड़ी सूची भी मेरे पास है, मगर मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, परंतु कांग्रेस की वादा खिलाफी के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया का कर्ज माफ करेंगे और यह भी कहा था सोनिया जी के जन्मदिन के दिन पर करेंगे। हम सब तो मानते थे सरकार बनेगी तो कर देगा, मगर उसमें एक पेच था, सोनिया जी के कौन से जन्मदिन पर वो नहीं कहा। तो सरकार बनने के बाद इतने दिन हो गए मगर 2 लाख क्या 2 रुपये का भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसान को हर साल 15,000 देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। खेती हर मजदूरों को 12,000 देना था वो भी पूरा नहीं हुआ। हर क्विंटल अनाज पर एमएसपी पर 500 रुपया बोनस देना था वो भी नहीं दिया। स्टूडेंट को 5 लाख तक की क्रेडिट लाइन देनी थी वो भी नहीं दिए गई। बच्चियों को कॉलेज जाते वक्त स्कूटी देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कूल खोलने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। वादा एक ही पूरा हुआ जो उन्होंने अपने हाई कमांड को किया था कि पूरे भारत के चुनाव लड़ाने का फंड वो तेलंगाना से भेज। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को, रेवंत रेड्डी जी ने तेलंगाना को कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात कर रहे हैं। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये इतने डेस्परेट हो गए कि झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीटें मिली तो मोदी जी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता और विशेषकर तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत, भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने के लिए किया, यूसीसी लाने के लिए किया। हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग हमने 3 तलाक समाप्त करने के लिए किया, राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए किया। कांग्रेस पार्टी ये झूठ बोल रही है और झूठ बोले तब तक तो समझ में आता है। मेरे वीडियो को एडिट कर गलत तरीके से बताने का पाप भी यहां पर किया गया। मित्रों, ये कहते हैं अगर वो सत्ता में आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो 3 तलाक वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने ये निर्णय करना है कि 3 तलाक वापिस लाना है या नहीं लाना है, 370 वापिस लाना है या नहीं लाना है, पर्सनल लॉ के आधार पर देश को चलाना है या नहीं चलाना है। एक और मोदी जी विकास के मामले में 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक ऐसे प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं जिन्होंने देश की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब भारत पूर्ण विकसित देश होगा और हर क्षेत्र में दुनिया में पहले नंबर पर होगा। और दूसरी ओर एपीसमेंट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये तीनों से घिरे हुआ ये इंडी अलायंस है। देश की जनता स्पष्ट रूप से मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व के साथ रहना है, देश का भविष्य इसी में सुरक्षित है। देश मोदी जी ही सुरक्षित कर सकते हैं, देश मोदी जी ही समृद्ध कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपील करना चाहता हूं
अगले तीन चरण की तरह ही चौथे चरण में भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों का आप समर्थन करिए और मोदी जी को एक निर्णायक लीड की ओर पहुंचाइए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री होंगे, देखिए मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमिशा जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। भाई एक के बाद एक। अमिशा जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। एक सेकंड भाई। उन्होंने प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। माइक बंद कर खड़े होकर बोलो। देखिए मुझे लगता है आपके नजरिए में थोड़ा दोष है। हमने इस देश की 12 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया है, 14 करोड़ लोगों को घर में पीने का पानी दिया है, नल से जल दिया है, हमने 14 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रति माह दिया है, प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया है। हमने वादा किया था हम देश को सुरक्षित करेंगे। आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किया है। हमने कहा था हम देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाएंगे। 11वें नंबर पर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री छोड़कर गए थे, उसको हमने 5वें नंबर पर लाने का काम किया है और तीसरी टर्म में निश्चित रूप से देश का अर्थतंत्र संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, हमने वो पूरा किया है। 370 हटाना था, हमने वो पूरा किया है। यूसीसी की शुरुआत भी हमने की है। महिला रिजर्वेशन हमने समाप्त किया है, वादा हमारा समाप्त किया है, महिला रिजर्वेशन देने का काम भी पूरा किया है और एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को भी हमने सुरक्षित किया है। तोड़ मरोड़ कर एजेंडे को, हमारे संकल्प पत्र को अपनी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। एक ही सरकार है आजादी के बाद जो 92% वादों को, संकल्पों को पूरा कर 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे। अमित भाई सबको करेंगे। देखिए मैं यही कहना, एक्चुअली में मुझे कहना चाहिए था, इन लोगों का माइनॉरिटी वोट बैंक की लालच इतनी बड़ी है कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा नीति के इतनी महत्वपूर्ण अहम घटना थी कि जिसने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल के बाद भारत को तीसरा देश हमारा जुड़ा जो अपनी सीमा और सेना के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो घुस कर जवाब देने का दम रखता है। पूरे देश को सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व है, मगर रेवंत रेड्डी सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, आप अकेले मिले तो शायद कह देंगे। अमित शाह जी, संजय देखिए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए,
वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित भाई मुख्यमंत्री तेलंगाना ने एक इंटरव्यू में और कल भी आपने मीट द प्रेस में कहा कि निवेश तेलंगाना में निवेश करने से रोका जा रहा है। उन्होंने टेस्ला का एग्जांपल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव खत्म होगा तो मैं बकायदे पूरी फेहरिस्त दूंगा। देखिए ऐसा है भाई, तेलंगाना में जिस तरह का सरकार वो चला रहे हैं मैं नहीं मानता कोई निवेश करने आएगा। अगर उनको तकलीफ है तो वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को मिल सकते थे, मदद चाहिए तो, और मांगनी भी चाहिए, इसमें क्या है। हर राज्य अपने स्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी की मदद मांगता है, मगर यहां जिस प्रकार का रैम्पड करप्शन का एटमोस्फियर हुआ है कौन इन्वेस्टमेंट करेगा भाई। आप भी अगर बिजनेस में जाना चाहोगे तो 4 बार सोचोगे। अमिश्रा जी, जी मेरा एक सवाल ये था कि एक तो अभी कुछ देर पहले ही जो है केसीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से तमिलनाडु में द्रविड़ियन सिस्टम चल रहा है और रीजनल पार्टीज को ही वोट देते हैं, वैसा ही यहां पर भी होना चाहिए, भाजपा जैसे पार्टी को जनता वोट ना करे। और दूसरा ये सवाल कि केजरीवाल जी ने जो अभी कहा कि तानाशाह कहा है प्रधानमंत्री जी को और कहा कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, और ये तक कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी का भी नाम लेते हुए कहा कि जैसे उनकी राजनीति खत्म कर दी है, अगले 2-3 महीने में जो है योगी आदित्यनाथ जी की भी राजनीति जो है वो खत्म कर दी। आपके अलावे ऐसी बातों को कोई नहीं मानता है। और केसीआर को मैं कहना चाहता हूं कि भाई रीजनल पार्टी की बात आप जरूर करो, आपका अधिकार है, तेलंगाना की जनता को तय करना है। आप काउंटिंग के दिन देख लेना, भारतीय जनता पार्टी यहां 10 से ज्यादा कमल के साथ यशस्वी बनकर बाहर आएगी। भैया मगर पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे, मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, आप बैठ जाओ। अरे भाई पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे, वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। देखिए ऐसी अभद्र भाषा का जवाब मैं नहीं दे सकता। मगर देखिए इस तरह से कंपैरिजन नहीं होता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम ये 10 साल में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इस तरह से कंपेयर होता है भाई। नहीं ये कोर्ट कम जिन लोगों की भी डिमांड है वो कोर्ट के सामने गए, मेरी पार्टी के स्टैंड का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं इसका हम पालन करेंगे, हमने राम मंदिर में भी कोर्ट्स के जजमेंट को पालन किया है। सर नहीं, क्या बीजेडी नहीं, कोई अलायंस नहीं, हम आमने सामने चुनाव लड़े हैं। हम ओडिशा में बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, 21 में से 16 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। अब ओडिशा में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत एनडीए को 10 साल से है, अगर करना होता तो कर देते। मैंने आगे ही कहा मेरे प्रियम्बल में कि हमने बहुमत का उपयोग रिजर्वेशन को टच करने में नहीं किया है,
धारा 370 हटाने में किया है, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया है। मैंने कहा ना दक्षिण एक सेकंड दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर इस चुनाव में बाहर आएगी। नहीं नहीं, देखिए हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान के अंदर ओबीसी में हर धर्म के लोगों को लेने की व्यवस्था है, परंतु इसके लिए सर्वे होता है, पिछड़ेपन का सर्वे होता है, इनकी एजुकेशन की स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति एंड सोशल स्थिति, ये तीनों को सर्वे करकर ओबीसी की लिस्ट बनती है। उसमें कोई भी मुस्लिम जाति आ सकती है, क्रिश्चियन जाति भी आ सकती है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, परंतु रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ हम हैं। किसी भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब राहुल गांधी जी से आप क्या अपेक्षा कर रही है? चलिए मगर वो सत्ता में ही नहीं आने, आप चिंता मत करिए। देखिए जो लोग अवैध रूप से देश की सीमा को क्रॉस कर कर विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीजा अंदर आते हैं वो घुसपैठी। देखिए वो कितना भी कर दे, ये तो कांग्रेस ने, एक नेता ने ये भी कहा कि इस देश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांट देना चाहिए। कांग्रेस ने एक बार तो देश का बंटवारा करा है, अभी इनका पेट नहीं भरा है, ये दूसरी बार करना चाहते हैं। मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है इस देश का बंटवारा नहीं होगा। तुम लाश लाश कर तीन बार पूछे भाई, हो गया भाई। शायद आप, मैं जब प्रियम्बल मतलब शुरुआती जानकारी दे रहा था तब आपका ध्यान नहीं था। चलिए भैया धन्यवाद, अब खींच खींच कर आप सवाल बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।